सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। दोस्तों, कई सारे मैजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक टाइम टर्नर, पुनर्जीवन पत्थर, पारस पत्थर, व्हील और भी बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिनके बारे में किसी को पूरी तरह नहीं पता। ये अभी भी एक मिस्ट्री है और जेके रॉलिंग ने भी इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर नहीं बताया। तो आज हम व्हील के बारे में जानेंगे, आखिर ये है क्या। तो हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स में अगर बुक की स्टोरी पर गौर करें तो बेलाट्रिक्स ने रेड स्पेल यूज़ की थी सीरियस ब्लैक के ऊपर, पर मूवी में दिखाया है ग्रीन स्पेल। बट सीरियस ब्लैक की मौत व्हील में जाने से हुई। हैरी पॉटर और लूना ये थेस्टरल्स को देख सकते थे और उन्हें सिर्फ वही देख सकते थे जिन्होंने किसी की मौत देखी हो। व्हील में से हैरी पॉटर लूना को आवाज़ भी आती है, शायद जो मर चुके हैं उनकी। बट ये है क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में आया कहाँ से। तो जेके रोलिंग से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ये कब और कैसे बना, तो जेके रोलिंग ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। जेके रोलिंग ने कहा, द व्हील बीन देयर एज लॉन्ग एज द मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक हैज़ बीन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक हैज़ बीन देयर नॉट एज लॉन्ग एज हॉगवर्ड्स बट अ लॉन्ग टाइम। वी आर टॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इट्स नॉट पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू नो एग्जैक्टली वैन बट सेंचुरीज डेफिनेटली। तो व्हील जब से मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक है, जब से वहाँ है, जब से वहाँ पर मौजूद है, बट व्हील हॉगवर्ट्स से पुराना नहीं है। लेकिन जेके रोलिंग ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। और जब उस सेम इंटरव्यू में व्हील के बारे में पूछा गया कि इसका पर्पस क्या था क्रिएट करने का और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने इसे किस तौर पर यूज़ किया, तो जेके रोलिंग ने कहा ये सिर्फ स्टडी के लिए था। डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में इज ऑल अबाउट स्टडिंग। दे स्टडी द माइंड, द यूनिवर्स, द डेथ। अगेन जेके रोलिंग ने प्रॉपर आंसर नहीं दिया क्योंकि उसे अस्कबान नहीं जाना। बट इसके अंदर जाने के बाद होता क्या है, तो भाई इसके अंदर जाने के बाद आप एक अलग सुनहरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, मींस डेथ। जेके रोलिंग ने इंटरव्यू के दौरान कहा था ये एक पोर्टल है लाइफ टू डेथ, मींस इसके अंदर जो जाएगा वो मर जाएगा। सीरियस ब्लैक की बॉडी भी हमें देखने को नहीं मिली थी जब वो इस व्हील के अंदर चला गया था। बट जब हैरी पॉटर पुनर्जीवन पत्थर का यूज़ करता है तो हमें सीरियस ब्लैक की बॉडी जो है देखने को मिलती है। वो जेम्स और लिली के साथ ही होता है और जेम्स और लिली भी ऑलरेडी मर चुके हैं, मींस सीरियस ब्लैक प्रॉपर रूप से मर चुका था। अब मेरे कहने का मतलब ये है, इसे सीधे तौर पर मौत होती है, ये नहीं है कि आप इसमें चले जाएंगे और आपकी आत्मा भटकेगी, आप गोस्ट के रूप में बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हाँ, इसके अंदर कोई गलती से भी चला गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा, वन वे टिकट है। बट इसमें जाने से मौत कैसे होती है ये तो मिस्ट्री है आज तक। YouTube पे आपको इससे रिलेटेड 3-4 थ्योरी मिलेगी और हिंदी में तो एक भी नहीं मिलेगी, ये पहली वीडियो है। तो मैं अपनी थ्योरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। व्हील इज़ लाइक अ ब्लैक होल। दोनों के बारे में प्रॉपर तरीके से आज तक किसी को भी नहीं पता है, किस चीज़ से बने हैं, क्या करते हैं, ये हम 100% नहीं कह सकते क्योंकि कई तरह के ब्लैक होल होते हैं। किसी एक तरह के ब्लैक होल पे आप स्टडी कर ये नहीं कह सकते कि सारे ब्लैक होल उसी तरह से होते हैं। जिस तरह व्हील में जाके कोई वापस नहीं आ सकता, उसी तरह ब्लैक होल में जाके कोई भी वापस नहीं आ सकता है, अभी तक के प्रमाण यही कहते हैं। दोनों ही आज भी मिस्ट्री है। कई तरह की थ्योरी ये कहती है कि जो व्हील है वो इजिप्शियन के लोगों ने बनाया है। कुछ कहते हैं वो इजिप्शियन जो है विजार्ड थे और कुछ कहते हैं वो इजिप्शियन विजार्ड भी नहीं थे, लाइक जिन्होंने पिरामिड्स बनाए हैं वो थे। ये भी अभी तक एक मिस्ट्री है। जेके रोलिंग ने भी इस पर सीधा सीधा आंसर नहीं दिया है, आई डोंट नो व्हाई। शायद आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो में जब पता चल जाएगा, जब मैं हॉगवर्ट्स इज रियल का पार्ट 2 बनाऊंगा। तो इतना ज़रूर कह सकते हैं व्हील के उस पार मौत है, तभी हैरी और लूना अजीब आवाज़ें सुनते हैं जब वो इसके करीब आते हैं। ये आज भी मिस्ट्री है। हालांकि मैं इस मिस्ट्री से पर्दा उठा सकता हूँ बट मुझे अस्कबान नहीं जाना है। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं मेरा कंटेंट कॉपी है, उनके लिए ये एक वर्ड।